Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज हमारा जो गुजरात सीरीज है वो फाइनली शुरू होने जा रहा है। हम है वैसे महाराष्ट्र में, हम है वैसे नासिक में, लेकिन अभी बस कुछ ही घंटों में हम आपको गुजरात की जो झांकी है वो हम दिखाना शुरू करेंगे आप लोगों को। और ये जो सीरीज है वो बहुत ही प्यारा रहने वाला है। अगेन थैंक यू सो मच वेरी फॉर यू नो लाइक गिविंग वेरी गुड कमेंट्स एंड सजेशंस फॉर अवर गुजरात सीरीज नेम। और जो भी नाम सिलेक्ट हुआ है उसको हम क्रेडिट्स में रखना शुरू कर देंगे। और वेलकम टू माय चैनल। एंड दोस्तों आज हम जहाँ पे जाने वाले हैं वो एक गुजरात का हिल स्टेशन है और पॉपुलर हिल स्टेशन है, जहाँ पे हम जाके कुछ पॉइंट्स जो है वो हम देखेंगे, ट्राई करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो यू नो नाइट भी वहाँ पे ही स्पेंड करेंगे, क्योंकि आज इतना ड्राइव करने का मन नहीं है, आज एक्सप्लोर करने का मन है। तो आज कुछ एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर यू नो आपको मिलते हैं। तो अभी मॉर्निंग का जो टाइम हुआ है 5:59, मतलब कि ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 6 बजे है। और हमारी जो राइड है वो टू मैक्सिमम 10 मिनट में हम हमारी राइड शुरू कर देंगे। हमारा जो पैकिंग है वो सब ऑलमोस्ट पैकिंग हो गया है, चार्जिंग वार्जिंग सब हो गया है, यहाँ पे पैकिंग भी हो गया है। अभी ये जो होटल है वो हमने लिया था, दिस होटल कॉस्ट अस अराउंड कितना 1700 या 2000 इंक्लूडिंग पेट का 500 एक्स्ट्रा। और अगर कोई पेट ओनर है और वो अगर यू नो यहाँ पे आते हैं नासिक में, तो आप होटल वैशाली नाम लिख लीजिए, क्योंकि आई नो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है पेट अकोमोडेशन वाला होटल ढूंढने में। तो आज तो मैं एयरबीएनबी करने वाला हूँ जहाँ पे भी हम जाने वाले हैं, लेकिन क्या कि आप यहाँ पे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया हमारे से और पेट अकोमोडेशन हमें 2000 रुपीज़ के अंदर इंक्लूडिंग पेट अकोमोडेशन हमें मिल गया है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द राइड। एंड हम आपको ब्यूटीफुल सनराइज अगर होगा तो हम आपको बताते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड एक साइड हो रहा है सनराइज, एक साइड हो रही है मून जो है वो एक साइड दिख रहा है। और हम ऑन द वे है टू सापुतारा। और अभी आई होप अभी अच्छे रोड्स हमें देखने मिलेंगे। अभी हम नासिक सापुतारा का जो रोड है वहाँ पे है और रोड अच्छे है, काफी क्वालिटी अच्छी रोड की यहाँ पे। और मॉर्निंग के अंदर जो ड्राइव करने का जो मजा है वो बहुत ही जबरदस्त रहता है, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर क्या है कि आपको एकदम मस्त एकदम ठंडक रहती है, गर्मी नहीं होती है और सन का जो लाइक वो है रेस जो है वो नहीं आते, उसकी वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो। बड़ा भी इतना फास्ट नहीं जा रहे हम, धीरे स्लोली जा रहे हैं अभी, क्योंकि डिस्टेंस इतना कुछ ज़्यादा है नहीं।
वो कवर करना है आज के दिन में। सो अभी हम जस्ट एक रैंडम जगह पे हम खड़े रहे और जो सनराइज है उस का व्यू ले रहे, तो और यहाँ पे मेरे बाजू में यहाँ पे इस साइड बहुत ही ज़बरदस्त वाला लेक टाइप है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने एक्सपोजर शेड कर दिया है, थोड़ा आपको डार्कनेस दिखेगा लेकिन जो व्यू है यार, मतलब क्या प्यारा व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, ये पूरा का पूरा जो है वो सनराइज हो रहा है यहाँ पे। ओ वाओ, काइंड ऑफ फोटो। जंपिंग फ्रॉम क्लिफ सो हाई, ट्रस्टिंग आवर विंग्स टू फ्लाई, समटाइम्स वी क्रैशिंग डाउन बट वी गेट अप एंड स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. तो ये जो सब है वो है सापुतारा का भी नाश्ते का सेंटर है, सब अंडा और ये सब आइटम मिल रहा है। ये और हमारे पास यहाँ ये मेनू मसाला डोसा और मैगी एज यूजुअल ऑर्डर कर दिया गया और आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ड्राइव हम पहुंच चुके हैं, हम सापुतारा पहुंच चुके हैं। ये चाय, चाय है, चाय टेस्ट करो। ये अभी हम पेट्रोल पंप आने के लिए रुके हैं, जो पेट्रोल पंप है वो इंडियन ऑयल का और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो महाराष्ट्र है वहाँ से महाराष्ट्र से हम लाइक 7 से 8 रुपये कम है, तो उसका बेनिफिट लिया जा रहा है अभी पेट्रोल। लाइफ इज अ वाइंडिंग रोड, नो टेलिंग वेयर इट गोज, ड्राइविंग थ्रू डेज एंड नाइट्स, वोंट स्टॉप फॉर ट्रैफिक लाइट्स। ठंडा मतलब रहता है ना इतना, क्या है चार्जेस? गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी एक्चुअली एक और घंटा बाकी है आफ्टरनून होने में। टाइम हुआ है 11 o'clock, थोड़ा पावर नैप लेने के बाद थोड़ा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठकर राइड किया था तो थोड़ा थोड़ी सी यू नो ठंडक में थोड़ी सी नींद आ गई। बहुत ही अच्छी होटल है और एकदम चीप और एकदम अच्छी होटल है, अच्छा होटल हो और वो भी बहुत ही ज़्यादा चीप हो वो ज़्यादा मतलब लाइक मिलता नहीं है जनरली। ये जो होटल है वो हमें मिला है 625 rupees में, मतलब लाइक व्हाट यू नीड, आई नो व्हाट एल्स यू नीड, एंड उसमें डॉगी का भी रहने का हो गया, हमारा भी रहने का हो गया, तो आई थिंक यू नो बहुत ही सस्ते में हमें स्टे मिल गया है। अभी हमें जस्ट जाना है बाहर घूमने के लिए
कुछ पॉइंट्स है जो कवर करेंगे। गर्मी ज़्यादा लगी तो वापस आ जाएंगे और शाम को फिर कवर करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी मन हुआ है, उठ गए हैं, मन हुआ है तो अभी थोड़ा जाएंगे और जाके थोड़ा बहुत चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने में, और फिर आपको falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling,